अरे नहीं 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 उधर 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 खेलो, सबके साथ खेलो, जाओ जाओ जाओ। विनू दादा मैं पुलिस, अब चल। ओके नहीं सभी, तुम हमेशा मुझे चोर बनाती हो। प्लीज विनू दादा बन जाओ ना चोर, मुझे पुलिस बन जाना। ओके बाबा ठीक है, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। पानी पानी तो खत्म हो गया, इसमें होगा, इसमें भी नहीं है, लगता है कहीं और से ही भरना पड़ेगा। हैप्पी होली बेटा, मैं डीजे। अच्छा अंकल हैप्पी होली। बेटा मुझे ना यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीकर के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, तो किधर से लेने का? इलेक्ट्रिक कनेक्शन आप घर से ले सकते हो। लेकिन वो बहुत दूर है। दूर? अच्छा अंकल आप यहाँ से ले सकते हो या आउट हाउस है? अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ चलो चलो। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम विनायक अंकल। विनायक, अच्छा नाम है। थैंक यू। इधर तो फुल टाइट सिक्योरिटी मामला है, इतना पुलिस का ही को है? मेरे बाबा डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, इसलिए उन्होंने सब जगह पुलिस रख रखी है ताकि कोई भी गंदे लोग अंदर ना आ पाए। अच्छा तो तुम्हारे बाबा को लगता है इतना पुलिस बैठाने से गंदे लोग अंदर नहीं आएंगे? वो जो बाहर पुलिस अंकल है ना, वो उन गंदे अंकल को आने ही नहीं देंगे। पक्की बात? पक्की बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए अंकल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। डीजे अंकल आप टीचर अंकल कहाँ चले गए? विनू विनू बड़ा आपको भूख लगी थी ना, देखो मैं आपके लिए पूरी पोली लाई हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है। विनू विनू बड़ा मुझे आपसे बात करनी थी, कल आपने मेरी जान बचाई थी ना, उसके लिए थैंक यू और हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली।
सही भाभी, आप इधर क्यों खड़ी, आइए ना हमारे साथ होली खेलिए। नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, आप लोग खेलिए थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। ठीक है चल। वहीनी वो मीडिया वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें वहां ले आना। ओवेन आइए आइए आइए। वहीनी रिपोर्टर्स। हैप्पी होली भवानी। हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। भवानी जी इतने सालों में तो कभी चव्हाण निवास में होली नहीं मनाई गई, फिर आज अचानक कैसे? मस्त मस्त, आप लोग भी अजीब हैं। त्योहार ना मनाओ तो दिक्कत है, त्योहार मनाओ तो प्रॉब्लम है। अरे भाई बस दिल किया और मना ली, होली पार्टी रख ली हमने, क्यों सही? भवानी जी ये कौन है? ये मेरे भतीजे की पहली बीवी है। उनकी पहली बीवी इसी घर में रहती है। क्यों रह नहीं सकती? रिश्ते टूटते नहीं बदल जाते हैं। इनके बीच अब पुराना वाला रिश्ता तो नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ता ही टूट गया। हमारे बीच बहुत प्यार है, इसीलिए तो ये अभी भी अपने बच्चों के साथ हमारे बीच ही रह रही है। अब बाकी सवाल जवाब बाद में करते हैं, होली की पार्टी का आनंद उठाइए। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या करना चाहती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं साफ साफ, मैं आपके किसी भी षड्यंत्र में हिस्सा नहीं बनने वाला। इसलिए प्लीज कोशिश भी मत कीजिए। वहीनी मुझे जब भी लगता है कि मैं आपके मन को समझने लगी हूँ, आप अपना रुख ही बदल देती हैं। पहले तो आप ही कह रही थी कि अगर मीडिया को पता चल गया कि विराट की एक्स वाइफ और करंट वाइफ एक साथ रह रहे तो हमारी बदनामी होगी, और आज आप ही फोटो खिंचवा रही हैं, आप ही पढ़ा चढ़ा के उनको बता रही हैं। नहीं समझ में आया वहीनी। पहली बात तो ये सुना ली कि दुनिया दिखावे का नाम है, डंके की चोट पर कांड करो तो दुनिया मजाक नहीं बनाती उल्टा महान बना देती है। अब तो खुद देखना, कल यही लोग बोलेंगे कि वाह कितने बड़े दिल के लोग हैं, रिश्ता टूट गया लेकिन फिर भी घर में जगह दी है रहने की, और कितना प्यार है सब में। और दूसरी बात, मैं चाहती हूं कि सई हमारे घर में विराट की जिंदगी में वापस लौट आए, और उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। पत्रलेखा तू यहाँ क्या कर रही है, जा सबको पूछ ठंडाई वगैरह के लिए। चलो कनप भवानी चव्हाण, आप सई को विराट की जिंदगी में वापस लाना चाहती है? आप सई के साथ फोटो खिंचवा रही है? ठीक है, देखना मैं ऐसा तमाशा खड़ा करूंगी कि आप दोनों का सिर शर्म से झुक जाएगा। दोनों ही किसी को नजर उठा के ये नहीं कह पाओगे कि सही चव्हाण खानदान का हिस्सा है। सुनो सुनो बच्चे लोग सब सुनो, अभी हम आपके लिए एक कंपटीशन का सॉन्ग बजाएंगे, सबको दिखा दो इस होली पार्टी में बेस्ट डांसर कौन है, कम ऑन।
हमें अपना विनर मिल गया। ये लो बेटा आपका गिफ्ट। जादुई बूटी पीने का मन कर रहा था सच्ची। ये लो। अरे ऐसा हो सकता है कि मेरी बीवी की कोई इच्छा और मैं पूरी ना करूं? क्या बात हैप्पी होली। ये लो हैप्पी होली। शुक्रिया। हैप्पी होली। आई चलो ना होली खेल दे। अरे सभी अब आएगा मजा भवानी चौहान की सही थी सही ये ठंडाई पीकर खुद अपनी नाक कटाएगी और भवानी चौहान का सर भी झुकाएगी। Under arrest. क्या? होली के दिन अपने पति पर रंग ना लगाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पति? दिमाग खराब है तुम्हारा? पति से मतलब है पति हस्बैंड मर्द नवरा आणि तू माझी नवरी कसला होती जी एवढी कावरी बावरी क्या
बकवास कर रहे हो विराट। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुमने मुझे कहा? अपने पति को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? तुमको जेल में डालने पड़े, चल आत्महत्या। अरे क्या कर रहे हो? अरे कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो, और क्या बेवकूफी की बात है। एक मिनट, अजीब क्या है? एक पति अपनी पत्नी को हथकड़ी लगाकर ले जा रहा है, उसमें अजीब क्या है? वैसे तो पति पत्नी की हर कड़ी जुड़ी हुई होती है, हथकड़ी जुड़ गई तो क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या ये मियां बीवी पति पत्नी लगा के रखा है, नशे में हो क्या? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, सुना तुमने? तो सुना? और क्यों सुना? क्यों सुना मैंने? और तुमने क्यों कहा? देखो सही, तुम मेरी पत्नी, बाइक को देखो, हमारे ना बच्चे हैं दो, इसे एकदम छोटे बच्चे मीनू सभी, और हम दो हमारे प्यारे दो। इतनी प्यारी दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है हमारी सही, चलो ना मेरे साथ चलो। विराट मैं कहीं नहीं जाने वाली, और इस तरीके का व्यवहार मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मां मेरे को ऐसा व्यवहार बहुत पसंद है, और मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि तुम मेरी बाइक हो, मैं तुम्हारा नवरा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो सही। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना, कुछ साबित करना है, चलो ना। विराट को क्या हो गया? अब वेड़ा साले का। वहिनी वेड़ा नहीं साला है, लगता है इसने ठंडाई समझ के ना गड़बड़ बूटी पी ली थी। अरे 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 भैया कहाँ ले जा रहे हो भरे हुए ग्लासेस? ये तीन खाली है ना, ये तीन भी भरो और ग्लासेस लेकर आओ, गैस ऐसे ही बैठे, चलो जाओ जल्दी जाओ। बूटी ने अपनी ड्यूटी करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन विराट को कुछ ज्यादा ही नशा नहीं हुआ? दादा मेरा सर घूम रहा है। भूमि तेरा सर घूम रहा है? मुझे तो लग रहा है सारा लॉन घूम रहा है। आ काका एकदम करेक्ट उचित बराबर टॉकिंग। ये क्या हो रहा है? मैं तो सोच रही थी कि सही नशे में तमाशा करेगी, लेकिन यहाँ तो विराट ही। ये मैंने क्या कर दिया? अरे किधर है वो विराट? हाँ हाँ कड़ी खोल, सब लोग देख रहे हैं विराट, देखने दो ना क्या फर्क पड़ रहा है, हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा ऐसे। वैसे भी तुम्हारा और मेरा साथ तो सात जन्मों वाला है, सही ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं मैं तुम्हें। Enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.